सर्वे भवन्तु सुखिने, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्। और एक छोटी सी बात, केश गलने का सबसे बड़ा कारण है शैंपू, उसका तो समाधान हो गया, शैंपू वापरना बंद, रीठा आंवला शिकाकारी से बाल होना शुरू। केश गलने का और एक कारण है, और दूसरा एक कारण, किसी भी आयु और ताई को केश तब बहुत गलते हैं जब उसके शरीर में एक केमिकल की बहुत कमी आती है, उस केमिकल का नाम है कैल्शियम। जो भी आई और ताई को शरीर में कैल्शियम की कमी आएगी तो केश बहुत जलेंगे, ठीक है, ये बात लिख लो आप, सभी को माहिती होनी चाहिए। एक माहिती हुई कि हम शैंपू वापरेंगे तो केश जलेंगे, दूसरी अब माहिती है जब शरीर को कैल्शियम नाम का केमिकल बहुत कम होगा तब भी केश जलेंगे। अब क्या करना, कैल्शियम की पूर्ति करना, कैल्शियम अगर कमी है तो कैल्शियम की पूर्ति करना। अब आप पूछो कैल्शियम किसमें है, ऐसी वस्तु खाना जिसमें भरपूर कैल्शियम, तो सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में, गाय का दूध, मशी में नहीं, गाय के दूध, मशी का भी दूध है ना, उसमें कैल्शियम जास्ती नहीं है, जास्ती नहीं, सबसे जास्ती कैल्शियम है गाय के दूध में। और सबसे जास्ती किस गाय के दूध में, देशी, और देशी गाय में सबसे ज्यादा किसमें, किल्ला गाय, किल्ला गाय देखिए जिसका दूध कम है उसमें कैल्शियम सबसे जास्ती, तो किल्ला गाय का दूध पीना रोज, भरपूर कैल्शियम उसमें है, तो बाल गिरना, बाल गलना कम है। और एक दूसरी चीज बताता हूं, और किसमें कैल्शियम है, गाय के दूध से बनाए हुए दही में दूध से भी जास्ती कैल्शियम, गाय का दूध है ना उसमें समझ लो 1 ग्राम कैल्शियम है एक गिलास दूध में, तो उसी 1 गिलास दूध को दही बना देंगे तो कैल्शियम 10 तक बढ़ जाता है। तो देशी गाय के दूध का दही खाएं तो कैल्शियम उसमें बढ़ता है, दही खाइए, और दही से भी 10 पर जास्ती कैल्शियम है ताक में, ताक, ताक है ना, तो ताक कीजिए, ताक से भी 10 पर जास्ती कैल्शियम है तूप में। अच्छा, ताक और तूप के बीच में और एक चीज होती है लोमी, तो ताक के बाद लोनी में, लोनी से 10 पर जास्ती तू। इसका माने ये है जो भी आयु और ताई को पेट जम रहे हैं वो गाय के दूध का तूप खाए, जास्ती तूप खाइए पेट गलना बंद हो, कैल्शियम की पूर्ति। अब तूप नहीं खा सकते तो लोनी खाइए, लोनी नहीं खा सकते ताक पीजिए, ताक नहीं खा सकते दही पीजिए, दही नहीं खा सकते दूध पीजिए, लेकिन किल्ला गाय का, मशी का नहीं, ठीक है। अच्छा, और कुछ माहिती देता, और किस किस चीज में कैल्शियम है, केला, बिल्कुल सही, केले में भरपूर कैल्शियम, तो केला खाइए। और कैल्शियम किसमें है, आंवला, आंवला देखा, आंवला खाइए, कोई भी ताई और आई रोज 2 आंवले खाए सब पेट गलना बंद हो जाए, रोज 2 आंवले रोज कैसे खाना, चटनी बना के खाओ, आंवले का अचार बना लो, आंवले का मुरब्बा बना लो, आंवले की चटनी बना लो, कैसे भी खाना 2 आंवला रोज, जो ताई को पेट बहुत जलते हैं बिल्कुल बंद हो जाए आंवला खाना, आंवले में बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है, दाड़ी में, दाड़ी का रस पीना बहुत कैल्शियम है। और कैल्शियम किसमें है, पपैया, पपैया को क्या कहते हैं, पपई, उसमें बहुत कैल्शियम। और कैल्शियम किसमें है, द्राक्षी, बहुत कैल्शियम है द्राक्षी, मनुक्का भरपूर कैल्शियम है उसमें, बादाम बहुत कैल्शियम है उसमें, मूंग की दाल बहुत कैल्शियम है,
मूंग की दाल है बहुत कैल्शियम, मसूर की दाल में बहुत कैल्शियम, हरे पाले की हरे पत्ते की भाजी पालक मेथी चपली भरपूर कैल्शियम, और गाजर है ना गाजर उसमें बहुत कैल्शियम है, मूली में बहुत कैल्शियम है, मूला में बहुत कैल्शियम, ये सब कैल्शियम की चीजें हैं, इनको आप भरपूर खाएं। और एक आखिरी माहिती, सबसे सस्ती और सबसे जास्ती कैल्शियम जिस चीज में है वो है चूना। चूना पान में चूना खाते हैं, बस वो ही आप खाइए। जो भी आयु और तारीख हो, दूध नहीं है, दही नहीं है, ताक नहीं है, लोही नहीं है, कुछ नहीं है, गरीबी है, फिर भी कैल्शियम तो चाहिए, तो सबसे सस्ता है चूना। पान में खाते हैं वही चूना खाना, कैसे खाना, पान में खाना, नहीं तो दाल में डाल के खाना, घरन में बनाते समय थोड़ा चूना डालना, नहीं तो ताक में मिला के, नहीं तो दही में मिला के, नहीं तो जूस में मिला के चूना। तो चूना माने कैल्शियम, कैल्शियम की पूर्ति जैसे होगी बाल बहुत मजबूत हो, बाल गलना बिल्कुल बंद हो, ठीक है। अब दो माहिती हो गई, पहली माहिती हुई शैंपू वापरना नहीं तो बाल गलना कम, रेखा शिखा का ही आंवला, अगर बाल गल रहे हैं गिर रहे हैं टूट रहे हैं तो उसके तीन कारण है। पहला मैंने बताया शैंपू वापर, ये बंद कर देंगे बाल गलना कम हो जाएंगे, रेखा शिखा का ही आंवले से बाल धोना। दूसरा कैल्शियम की पूर्ति करना ताकि शरीर कैल्शियम की पूर्ति वाला हो जाए तो बाल गलना कम हो जाएंगे गिरना बंद हो जाए। तीसरी और आखिरी माहिती, किसी भी काई और आई को अगर शरीर में रक्त की कमी होगी तो भी बाल गिरेंगे, रक्त की कमी। डॉक्टर लोग कहते हैं एनीमिया, एनीमिया एक रोग है जिसमें रक्त की कमी होती है, रक्त की कमी अगर शरीर में है तो बाल जरूर गलने वाले हैं। रक्त की सबसे जास्ती बढ़त शरीर में जो वस्तुओं से होती, नारियल का रस पिएंगे रक्त की कमी दूर। दूसरी वस्तु है जिससे रक्त की कमी दूर होती है मनुका, रोज मनुका खाएंगे रक्त की कमी दूर होता है। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है हमारे घर में केला, और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है पपई, और रक्त की कमी दूर करने वाली वस्तु है द्राक्ष। रक्त की कमी दूर करने वाली और एक वस्तु है मूंग की दाल, थोड़ी देर पहले मैंने बताई, मसूर की दाल, और रक्त की कमी दूर करने वाली एक बहुत अच्छी वस्तु है शेंग दाना, शेंग दाना। और रक्त की कमी दूर करने वाली एक वस्तु है फुटाने, और रक्त की कमी दूर करने वाली सबसे अच्छी और सबसे सस्ती वस्तु है गुड़। गुड़ तो गाजर चबा के खाना रक्त की कमी तुरंत दूर होती, तो रक्त की कमी दूर कर लो केश गलना बंद हो जाएगा, कैल्शियम की पूर्ति शरीर में हो जाए तो केश गलना बंद हो जाएंगे, और आखिरी माहिती शैंपू वापरना बंद हो जाए तो केश गलना बंद हो, तो केश गलने की समस्या का समाधान ये हो गया। समझ में आया, आया नहीं आया तो पूछ लो। अभी दो समस्याओं का समाधान हुआ, एक तो डोके दुखना और एक केश गलना, दोनों के बारे में अगर कुछ पूछना है तो पूछो। मराठी में पूछो, हाँ भाजी पालक जिसको आप कहते हैं हरे पत्ते वाला, सब में पानी कैसे, सब में विटामिन डी है। हाँ अभी थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले दो बात हो गई इस पर प्रश्न करो, प्रश्न करेंगे तो मुझे पता चलेगा आपको समझ में आया या नहीं आया। शरीर में कैल्शियम पकड़ के रखता है, हाँ बहुत अच्छा सवाल है।
इनका सवाल एक तरह से माहिती है, इनकी ये माहिती है कि हम कैल्शियम को शरीर में धारण कर सकें इसके लिए और एक केमिकल की ज़रूरत है जिसको विटामिन B12 के रूप में जानते हैं, वो बिल्कुल सही। अब ये विटामिन B12 कहाँ से आता है, ये भी फॉलिक एसिड का बाई प्रोडक्ट है। फॉलिक एसिड कहाँ टैबलेट्स, इनका ये प्रश्न है कि डॉक्टर कहते हैं कैल्शियम बढ़ाना, फॉलिक एसिड बढ़ाना, विटामिन शरीर में बढ़ाना, तो गोलियां देते हैं, उन गोलियों को खाइए ऐसा डॉक्टर कहते हैं। डॉक्टर पता है क्यों कहते हैं, क्योंकि गोले बनाने वाली कंपनी से कमीशन है, उनको कमीशन मिलता है, तो जाती गोली बिकेगी जाती कमीशन, तो जाती डॉक्टर करोड़पति ऐसा है। तो इसलिए मैं कभी भी किसी को कहता हूँ कि कैल्शियम बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, फॉलिक एसिड बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, विटामिन बढ़ाने के लिए गोली मत खाना, भगवान का दिया हुआ जो कैल्शियम विटामिन हमारे पास है वो खाना। भगवान ने किसने दिया है, भाजीपाला सब में कैल्शियम है, सब में फॉलिक एसिड है, सब में विटामिन है, वो ही जाके खाना। दूध में सबसे ज्यादा, दही में, ताक में, लोली में, तूप में भरपूर है, तो इसका ही सदुपयोग करना, गोली मत खाना, क्योंकि गोली खाने का कुछ लाभ होता भी नहीं है, पैसे जाते हैं लाभ उतना होता नहीं। मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी, मेरा हो मन स्वदेशी, मेरा हो तन स्वदेशी, मर जाऊं तो भी मेरा होवे कफन स्वदेशी।